हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पर जो अक्सर लोग बोलते हैं, मेरा लक मेरे साथ नहीं है, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता, पता नहीं क्यों मेरा कभी भी कोई काम बनता नहीं है। आज हम देखेंगे कि कब होगा आपका भाग्योदय और कब नहीं मिलता है आपको भाग्य का साथ। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे और ये बात है आपकी कुंडली के नौवें घर के बारे में, नाइन्थ हाउस के बारे में। तो दोस्तों, कुंडली का जो नौवां घर है इसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ लक एंड रिलीजन। ये आपका धर्म स्थान और भाग्य स्थान है। ये घर जो है, ये भाव, ये हाउस आपकी किस्मत को, आपके धर्म के प्रति आपकी आस्था को, आपकी स्पिरिचुअलिज्म को, आप कितने कर्तव्य प्रमुख कर्मठ हैं, कर्तव्य परायण हैं, इस चीजों को दिखाता है। आप एथिक्स को मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये सब चीजें इस घर से देखी जाती हैं। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें हैं नौवां घर दिखाता है, मैं कुछ ही चीजें यहां पर बता रहा हूं। क्या आप समुद्री यात्रा करेंगे, क्या आप विदेश जाएंगे, क्या आप लंबी जो है वो धार्मिक यात्रा पर जाएंगे, कोई पवित्र यात्रा पर जाएंगे, या आपको यश मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या आप हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे। हायर एजुकेशन यहां से मतलब है पोस्ट ग्रेजुएशन का। आपका आपके जीवन साथी के भाई बहनों से संबंध कैसा रहेगा, आपके बहन से या भाई से के जीवन साथी से आपका संबंध कैसा रहेगा, ये सब चीजें इस घर से देखी जाती हैं। और इस घर के दो कारक ग्रह हैं, जो हैं सूर्य और गुरु। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस योग ऐसे होते हैं आपकी कुंडली में जो आपको भाग्यवान बनाते हैं या भाग्य आपका साथ देता है, उसमें सहयोग करते हैं। सारे कॉम्बिनेशंस तो हम नहीं देख पाएंगे, मैं कुछ एक कॉम्बिनेशंस आपको बताता हूं। और साथ ही साथ इसके अलावा भी कुंडली में बहुत कुछ होता है नौवें घर में, जिससे कि भाग्य देखा जाता है, लेकिन मुख्यतः ये कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं। जो आपका दूसरे घर का स्वामी है, ये दूसरा घर है, इसका स्वामी क्या ग्यारहवें घर में है और क्या वो दसवें घर के स्वामी के साथ बैठा है या दसवें घर का स्वामी उसको देख रहा है। अगर ऐसा है तो आप बहुत ही भाग्यवान हैं। ग्यारहवें घर का स्वामी अगर नौवें घर में बैठा हो और वो दसवें घर के स्वामी के साथ बैठा हो तो आप बहुत भाग्यवान हैं। ग्यारहवें घर का स्वामी अगर नौवें घर में बैठा हो, इसके साथ ही साथ दूसरे घर का स्वामी ग्यारहवें घर में बैठा हो और नौवें घर का स्वामी दूसरे घर में बैठा हो, ये एक ट्रायंगुलर मूव है, तो आप बहुत भाग्यवान हैं। और साथ ही साथ इसमें यह है कि जो नौवें घर का स्वामी दूसरे घर में है तो वो दसवें घर के स्वामी के साथ होना चाहिए। या गुरु अगर आपके नौवें घर में बैठे हैं और सूर्य उसको देख रहा है, तब भी आप बहुत भाग्यवान माने जाएंगे। अब हम देखते हैं कुछ और कॉम्बिनेशंस। अगर नौवें घर का स्वामी गुरु और शुक्र के साथ बैठा हो या नौवें घर का स्वामी को अगर गुरु और शुक्र देख रहे हो, तो भी आपका भाग्य हमेशा आपके साथ रहेगा। अगर लग्न का स्वामी यानी लग्नेश जो है पहले घर का स्वामी और दूसरे घर का स्वामी या तो पांचवें घर में हो या नौवें घर में हो, और इसके साथ ही साथ
नौवें घर का स्वामी लगन में हो तो भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। इसके अलावा कोई भी प्लेनेट, कोई भी ग्रह अगर नौवें घर में बैठा हो अपनी ही राशि में या वो उच्च की उच्च राशि में हो तो भाग्य आपके साथ रहेगा। और एक और कॉम्बिनेशन है कि अगर लग्न का स्वामी मतलब आपका जो लग्नेश है वो नौवें घर में बैठा हो तो भी भाग्य काफी आपका साथ देगा। हम कुछ और भी कॉम्बिनेशंस देखते हैं। अगर शनि या मंगल चंद्रमा के साथ नौवें घर में हो तो भाग्य आपका साथ देगा। अगर दूसरे घर का स्वामी दूसरे घर में ही बैठा हो, लगन का स्वामी लगन में ही बैठा हो, चौथे घर का स्वामी चौथे घर में हो और नौवें घर का स्वामी लगन में हो तो इनके कॉम्बिनेशन से आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। अगर गुरु लगन में हो या गुरु दसवें घर में हो और सूर्य या चंद्रमा गुरु को देख रहे हो या उससे किसी तरह से संबंधित हो, संबंधित मतलब चाहे वो नक्षत्र के रूप में हो चाहे गुरु उनको देख रहा हो तो भी भाग्य अच्छी तरह आपका साथ देगा। अगर मंगल चंद्रमा और गुरु एक साथ नौवें घर में हो तो भाग्य आपका साथ देगा। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए शनि और मंगल को लोग क्रूर ग्रह मानते हैं और हमेशा उनसे डरते हैं, लेकिन आपने देखा कि शनि और मंगल अगर अच्छी जगह में बैठे हैं और एक खास तौर पे अगर वो चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो आपका साथ वो देंगे। अब देखते ये हैं कि किन परिस्थितियों में शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा। अक्सर लोग कहते हैं शादी के बाद भाग्योदय होगा, कैसे होगा? अगर दूसरे घर का स्वामी ग्यारहवें घर में बैठा हो और ग्यारहवें घर का स्वामी नौवें घर में बैठा हो तो शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा। अगर शुक्र या तो आपके सातवें घर में बैठा हो या आपके दूसरे घर में बैठा हो तो शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा। अगर लग्न का स्वामी आपके दूसरे घर में हो या सातवें घर में हो तो भाग्योदय होगा। अगर आपका लग्न का स्वामी या तो शुभ ग्रहों के साथ किसी ना किसी तरीके से संबंधित हो या शुभ ग्रह उसको देख रहे हो तो भी शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा। अब एक सवाल ये आता है कि अगर जो कॉम्बिनेशंस मैंने बताए क्या उससे हमेशा ही भाग्य साथ देता है या भाग्य तब कभी किन्हीं खास परिस्थितियों में साथ देता है? तो देखते हैं कि भाग्य कब साथ देगा। जो मैंने प्लैनेट्स बताए उनकी महादशा या अंतरदशा होने पर भाग्य आपका साथ देगा। और नौवें घर का स्वामी जो है उसकी महादशा हो या जो भी प्लैनेट नौवें घर में बैठा हो उसकी महादशा या अंतरदशा हो या जो प्लैनेट या ग्रह नौवें घर को देख रहा हो उसकी महादशा या अंतरदशा हो तब आपका भाग्य आपके जबरदस्त साथ देगा। लेकिन अगर अंतरदशा है इन प्लैनेट्स की मतलब नौवें घर के स्वामी की या नौवें घर में जो बैठा है ग्रह उसकी या जो ग्रह नौवें घर को देख रहा है उसकी उसकी अगर अंतरदशा है तो भाग्य थोड़ा बहुत आपका साथ जरूर देगा। अब हम देखते हैं कि किन परिस्थितियों में भाग्य आपका साथ नहीं देता, कौन से ऐसे योग हैं कुंडली में, कॉम्बिनेशंस हैं, कंडीशंस हैं कि भाग्य आपके साथ में नहीं रहेगा। अगर नौवें घर का स्वामी या तो छठे घर में बैठा हो या आठवें घर में बैठा हो
या बारहवें घर में बैठा हो, तो आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देगी। अगर कोई दुष्ट ग्रह, क्रूर ग्रह या नीच का ग्रह या अस्त ग्रह नौवें घर में बैठा हो तो आपको आपके यश की हानि हो सकती है, धन की हानि हो सकती है और आप कोई अनएथिकल चीजों में काम कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, जैसे शनि और मंगल क्रूर ग्रह हैं, लेकिन अगर वो चंद्रमा के साथ यहां पर हैं तो वो जरूर आपका साथ देंगे, फिर उस केस में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अगर सूर्य और बुध दोनों एक साथ नौवें ग्रह में बैठे हों तो ऐसे जातक को वो हमेशा परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, खुश नहीं रह पाएगा और उसको काफी संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। अगर मंगल और शनि एक साथ नौवें घर में बैठे हों तो जातक रईस जरूर होगा लेकिन वो उदार प्रकृति का नहीं होगा, वो काफी संकुचित प्रवृत्ति का होगा। अगर बुध और शनि नौवें घर में बैठे हों तो जातक रईस होगा, पैसा उसके पास बहुत होगा लेकिन उसको झूठ बोलने की आदत होगी, वो लोगों से अपनी चीज छिपा के सही बात नहीं बताएगा। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था आपको बताने के लिए कि भाग्य कई किन परिस्थितियों में आपका साथ देता है कुंडली के हिसाब से, किन परिस्थितियों में नहीं देता है। लेकिन ये सारे कॉम्बिनेशंस मैं यहाँ नहीं बता पाया हूँ, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और भी हैं। तो आप अपने भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं, अपने परिचितों की, अपने परिवार की कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, या अगर आपका भाग्य आपके साथ नहीं दे रहा है तो वैदिक ज्योतिष के मुताबिक आप क्या उपाय कर सकते हैं ताकि आपका भाग्य आपके साथ आपका साथ दे, उसके लिए आप मुझे दिए हुए नंबर पर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। अनूठी के वीडियोस देखते रहिए, उन्हें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अनूठी पर आते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।